सो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को, सभी सब्सक्राइबर्स को और सभी चाहने वालों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2020। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और आशा करता हूं कि आप लोगों में से जो भी 2019 में किसी कारणवश से अपने जो सपने थे या अपनी जो भी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं कर पाए, वो आपकी 2020 में पूरी हों। जो साल आपके लिए 2019 नहीं रहा वो आपके लिए 2020 हो। और ऐसी आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आपके लिए 2020 जो है हम सभी के लिए बहुत अच्छा रहे। ढेर सारे प्यार, ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी विशेज मेरी तरफ से आप सभी के लिए। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं थंबनेल में, आज मुझे YouTube पर पूरे 2 साल हो चुके हैं। और इन 2 सालों में मेरी जर्नी क्या रही, क्या मैंने खोया, क्या पाया और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा YouTube पर, वो इसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही आई होप कि इंस्पायरिंग होगा और आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मेरा कुछ एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। सो गाइज, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर, तो यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, बात करूं अगर अपनी जर्नी की, तो 2 साल मुझे हो चुके हैं। मैंने अपना जो पहला वीडियो है वो अपलोड किया था 1 जनवरी 2018 को, और मैंने चैनल तो क्रिएट कर लिया था दिसंबर में ही 2017 को, 10 दिसंबर को। लेकिन जो मेरी पहली वीडियो आई थी वो मैंने अपनी जो है 1 जनवरी 2018 को अपलोड की थी। आप लोग आई बटन में चेक करके देख सकते हैं। सो हुआ ये था कि मुझे थोड़ा जर्नलिज्म का शौक़ था, मीडिया में जाने का शौक़ था, लेकिन किसी कारणवश से मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाया। और उसका जो मेरी चाह थी वो मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था और बेटर करने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म चुना। और फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ पर थोड़ा अपना जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा कर सकता हूँ, कैमरे के सामने बोल सकता हूँ। सो मैंने कोई ऐसी शौक में बना लिया। कोई मुझे उस टाइम पर अर्निंग का पता नहीं था कि आपको यूट्यूब से इतनी ज़्यादा अर्निंग भी हो सकती है या और जो भी चीज़ें होती हैं, वो मैंने नहीं सोची थी। सिर्फ शौक में ही मैंने चैनल क्रिएट कर लिया था और क्रिकेट का थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था, इसलिए मैंने क्रिकेट से रिलेटेड अपना चैनल जो है स्टार्ट किया था शुरुआती दिनों में। और इन 2 सालों में मेरे साथ कई सारी अच्छी चीज़ें भी हुई। अगर व्यक्तिगत लाइफ के नज़रिए से देखा जाए मेरी पर्सनल लाइफ में, तो कई सारे बुरे इंसिडेंट भी हुए, कई सारी घटनाएं मेरे साथ हुई 18 और 19 में, दोनों साल की बात कर रहा हूँ। सो ये 2 साल इसलिए भी थोड़े ख़राब भी रहे, और अगर YouTube के नज़रिए से भी देखा जाए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा जाए 2019। और 2018 की बात करें तो कुछ वीडियोज़ वायरल भी हुई थी, अच्छे खासे व्यूज़ भी आए थे, लेकिन जिस तरीके से चैनल कंटिन्यू ग्रो होना चाहिए, कंटिन्यू व्यूज़ आने चाहिए, वो नहीं आ पाए। और उसमें मैं कहीं ना कहीं अपना मेहनत और प्लस मेरी किस्मत दोनों को ही दोष दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से मुझे मेहनत करनी चाहिए थी शायद वो मैं नहीं कर पाया, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न रहा हो। इस वजह से कहीं ना कहीं मेरा जो चैनल है उस तरीके से ग्रो नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए इन 2 सालों में। और हालांकि 2 सालों में ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई अर्निंग नहीं की तो आपने कुछ नहीं सीखा। मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है और आज मैं जिस कॉन्फिडेंस से, जिस तरीके से आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ, ये सब भी मैंने इन 2 सालों में जो है यूट्यूब से ही सीखा है। किस तरीके से कैमरे को फेस करते हैं, किस तरीके से वीडियोज़ को अपलोड करते हैं, किस तरीके से एडिटिंग करते हैं, तो काफ़ी कुछ 2 सालों में मैंने सीखा है। और रही बात अर्निंग की, तो यार अर्निंग के लिए रहा ऐसा मामला है कि मैंने दो साल में अभी तक कोई अर्निंग यूट्यूब से बिल्कुल भी नहीं की है। कई सारे लोग ये सोचते होंगे कि यूट्यूब पर अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं यार यूट्यूब पर बिल्कुल भी टाइम ख़राब नहीं होता है। आप लोग अगर थोड़े तरीके से काम करते हैं, मैंने देखा है कि आजकल सभी के पास मोबाइल होते हैं और आप लोग कहीं ना कहीं शादी में, पार्टी में या कहीं भी, अगर वेकेशन पे या कहीं भी जाते हैं, डेली लाइफ की भी बात करूँ तो बहुत सारे लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं, लाइव जाते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो यही प्रोसेस सारा कुछ इसमें है। आप वहाँ पर लाइव जाते हैं, मस्ती करते हैं, और यहाँ पर आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस, अगर जिस भी कैटेगरी में आप चैनल बना रहे हैं उससे रिलेटेड आप अगर बात करते हैं, तो बस सेम यही यहाँ पर करना है। तो इसमें कुछ ये नहीं होता कि मैंने यूट्यूब कब स्टार्ट किया, कब बंद कर दिया। यहाँ पर स्टार्ट और बंद करने जैसा कुछ भी नहीं है कि अब मैं यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, अब नहीं कर रहा हूँ। बस ये होता है थोड़ा कंटिन्यूटी आपको बनानी पड़ती है, थोड़ा सीरियस होकर अगर काम करते हैं तो आपको ज़्यादा जो है लाभ मिलता है यूट्यूब पर, वही मैंने नहीं कर पाया, मुझे भी कहीं से अब लगता है। लेकिन ये जो 2020 का साल है, मैं पूरे डेडिकेशन से पूरे तैयारी करके आया हूँ। आज का जो मेरी सुबह हुई है बहुत ही मैंने नई उमंग के साथ अपनी सुबह की शुरुआत की और पूरा दृढ़ करके आया हूँ कि
ये जो आने वाला साल है, इस साल में बहुत जम के मेहनत करने वाला हूँ यूट्यूब पर। और अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था, आप लोग भी सोचते होंगे कि हर बार ये बोल देते हैं कि अब बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, या मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूँ कि आपको वीकली 2 या 3 ब्लॉग ज़रूर दूंगा। लेकिन यार उसके पीछे रीज़न अभी कुछ दिनों से ये हो रहा है कि आप लोगों को पता ही है कि जो सर्दी है वो कितनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, पारा जो है 3-4 तक पहुँच रहा है। तो उसकी वजह से जो है ब्लॉगिंग, आपको पता है ब्लॉगिंग घर में तो होती नहीं है, ब्लॉगिंग के लिए बाहर निकलना पड़ता है, सो बस वो ही नहीं हो पा रहा था थोड़ा सर्दी की वजह से। लेकिन फिर भी अब मेरी कोशिश है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो 2019 का साल है इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ अपने इसी चैनल के ऊपर। और मैंने जो दूसरा चैनल भी क्रिएट किया है वी मेक टेक्निकल के नाम से, उस पर मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि किस तरीके से मुझे काम करना है। हालांकि मैं 2 चैनल के ऊपर काम करने वाला हूँ, अगर वी मेक टेक्निकल पर मैं टेक वीडियोस नहीं ला पाता हूँ तो उस पर कुछ और बात करूँगा, या फिर एक गेमिंग चैनल भी स्टार्ट करने का मैं सोच रहा हूँ। सो वो सब बात की बात है, इस चैनल पर कंटिन्यू ब्लॉगिंग की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो भी होगा वो आप लोगों को अपडेट में देता रहूँगा। सो बस आप लोगों की थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है 2020 में। अभी तक आप लोगों ने जो सपोर्ट किया वो एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बेटर करना चाहता हूँ मैं, और आप लोगों को जो है यूट्यूब पर अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराना चाहता हूँ। सो यार आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है, सो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि वहाँ पर भी मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रह सकूँ। वहाँ पर जब ब्लॉग्स नहीं आ पाते या कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ स्टोरी में अपडेट कर देता हूँ, सो वहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रहिए। और बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही था, इस ब्लॉग में आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता था। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा क्योंकि इन 2 सालों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अगर उस पर मैं फुल वीडियो बनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। वो कभी आगे चल के बनाएंगे, जब थोड़ा YouTube पर और ग्रो हो जाएंगे और हमारी जो ऑडियंस बढ़ेगी तब अपनी जो जर्नी है वो बताने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। अभी मैंने आपको हल्का सा बता दिया कि मुझे 2 साल हो गए हैं, 2 साल में मैंने कोई अर्निंग नहीं की है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं झूठ आपसे बोल दूँ कि मैंने 2 साल में बहुत कुछ कमा लिया है। कोई आपको जो है मिसगाइड नहीं करूंगा या कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा जिससे कि बहुत सारे जो हमारा यूथ है वो भी देखता है, बच्चे 9th 10th 11th 12th वाले भी वीडियोस देखते हैं, उन्हें कई सारे यूट्यूबर्स फेक यूट्यूबर्स जो होते हैं वो भ्रमित कर देते हैं और वो अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के जो है यूट्यूब पर ही लग जाते हैं और सारा कुछ छोड़ देते हैं। बस ऐसा कुछ नहीं है, आप यूट्यूब करिए, आप उसके साथ में जो काम कर रहे हैं वो करिए, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करिए, ऐसा कुछ नहीं। आपको फुर्सत में सिर्फ यूट्यूब करना है और कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप साथ में कर सकते हैं यूट्यूब एज अ पार्ट टाइम करिए, और डेडिकेशन से करिए, मेहनत से करिए। मेरी भी आगे से यही कोशिश है कि मैं यूट्यूब पर अच्छे से काम करूँ, और एक जो मेरा सपना है वो मैं ज़रूर पूरा करना चाहता हूँ। कि कई सारे लोग ये कहते हैं कि यार आप घर बैठे पैसे नहीं कमा सकते यूट्यूब से, सो मैं वही पूरा करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ उन लोगों को कि यार यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। लोग लाखों में कमा रहे हैं, डिजिटल इंडिया हो चुका है और आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं। सो बस आप लोगों को यही वीडियो में बताना चाहता था। एक बार फिर से 2020 की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और आप लोग भी अपना प्यार मुझे देते रहिए। और चलिए इसी के साथ अपना ये वीडियो जो है वो ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।